आप आटा भी पानी में मिला के दे सकते हैं, बेसन भी चने का पानी में मिला के दे सकते उसको हैं निकाल दिए ताकि एयर इनके पेट में साउंड ना भी जाए। लोग हाँ निकालते जी, हैं जब ये खाना मांगते हैं। आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू वीडियो, सो प्लीज सब सरा कबर सरा कराए सरा सरा कब वट एवर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आप ऐसे एक छोटे पैरेट के बेबी को कैसे फीड करा सकते हैं। इतने छोटे बेबी को हैंड टेम करना बहुत इजी होता है। स्टार्टिंग से आप इनको फीड कराइए, आराम से हैंड टेम हो जाते हैं। बस इनके पंजे छोटे हैं लेकिन उसके बाद भी इनके पंजे थोड़े स्ट्रांग रहते हैं, तो अगर किसी कपड़े के ऊपर ये बैठे हैं तो इनको झटके से मत उठाइए, इनके नाखून फंस जाते हैं कपड़ों में अक्सर। मैं ये दलिया का पाउडर करके पानी में इसको मिला के दे रहा हूँ। आप आटा भी पानी में मिला के दे सकते हैं, बेसन भी चने का पानी में मिला के दे सकते हैं। दाल को, चने की दाल को पीस के उसका पाउडर भी पानी में मिला के दे सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी में जो आप पेस्ट तैयार करें वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। और देखिए ये साउंड ये लोग निकालते हैं जब ये खाना मांगते हैं। तो जब आप एक दो टाइम फीड करा देंगे समझ जाएगा आप ही से खाना मिलना है, तो आपका भी जैसे ही हाथ करीब आएगा तो ऐसे ही साउंड निकालने लगते हैं, ये खाना मांगने लगते हैं। अगर आपने जो पेस्ट तैयार किया है वो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होगा तो भी इनको हज़म करने में प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा पतला होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। पतला बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, आपको बार बार फीड कराना पड़ेगा। इंजेक्शन में फीड को भर लिए और जो एक्स्ट्रा एयर ऊपर बन जाती है उसको निकाल दिए ताकि एयर इनके पेट में ना जाए। बहुत आराम से फीड कराना है, इनकी चोंच को हल्का सा खोल के पकड़ के दोनों हाथ से और साइड से इंजेक्शन को डालना है मुंह के अंदर। दोनों हाथ से चोंच पकड़ के साइड से इंजेक्शन को मुंह के अंदर डालिए और थोड़ा सा अंदर तक स्लाइड करिएगा और उसके बाद आराम आराम से पुश करिएगा। अगर आपके पास को इसके आगे भी रबर की जो वॉल होती है साइकिल वाइकिल की शॉप पे मिलती है वो भी लगा सकते हैं, बट ऐसे जो नॉर्मल रिंगनेक या पहाड़ी तोते के बच्चे होते हैं उनमें उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि इनकी चोंच थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो आराम से इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजेक्शन से भी आप इनको फीड करा सकते हैं। वॉल की ज़रूरत अक्सर बज्जीज के बच्चों को या लवबर्ड्स के बच्चों को फीड कराने में पड़ती है। तो देख सकते हैं आप लोग ये अभी फीड जो मैंने खिलाई है हल्का सा पेट भर गया इसका। मैं डेली इसको अगर दो बार फीड कराता हूँ तो दो इंजेक्शन यूजुअली मैं फीड कराता हूँ इसको। अगर कभी दिन में एक ही बार फीड कराता हूँ तो तीन इंजेक्शन तक फीड करा देता हूँ मैं, वैसे ऐसा बहुत कमी होता है, मैं यूजुअली दो टाइम फीड कराता हूँ इसको। और अच्छे से जो भी पेस्ट तैयार करें उसको अच्छे से मिक्स कर दें, वरना अक्सर ये होता है कि नीचे अगर आप आटा या बेसन ले रहे हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, ऊपर खाली उसका पानी पानी रह जाता है। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सब कुछ मिक्स होके आ जाए। और हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें जो ऊपर एयर जमा होती है वो एयर हमेशा निकाल दें। मैं थोड़ा ज़ूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी होता है। फर्स्ट टाइम अगर आप फीड करा रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो, बट कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। आराम से आपको उसकी चोंच को पकड़ना और साइड से इंजेक्शन को डाल देना और धीरे धीरे उसको पुश करना, खुद ही वो आराम से खा लेगा। तो इंशाल्लाह और भी इसकी वीडियो अपने चैनल पे आपके लिए पोस्ट करता रहूँगा, इसकी डेली प्रोग्रेस कैसा ग्रोथ हो रहा है इसका वो भी मैं आप लोग को दिखाता रहूँगा।
अभी आप लोग देखिए इसका पेट एकदम एकदम फुल तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इतना काफ़ी है इसके लिए। दो टाइम फीड करा रहे हैं तो दो इंजेक्शन इनफ है। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाली बाकी वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँ, और कमेंट करके बताइए वीडियोज़ कैसी लगती हैं आपको।